दोस्तों पेट्रोलियम रिफाइनिंग कंपनी ने कहा है कि इंडियन ऑयल लिमिटेड 3 साल में 10,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करेगी। आपको बता दें कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का देश भर में इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम बनाने का टारगेट है। प्रेजेंट में ये कंपनी पेट्रोलियम, डीजल, एलपीजी आदि जैसे ईंधनों का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करती है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन एसएम वैद ने कहा कि हम अगले 3 साल में 10,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करेंगे। एसएम वैद ने कहा कि अगले 3 सालों में 10,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन के टारगेट को हासिल के लिए अगले 12 महीने में 2,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन और अगले 2 साल में 8,000 और चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। दोस्तों आपको याद होगा तो पिछले हफ्ते रिलायंस ने बीपी के साथ साझेदारी में अपने मौजूदा फ्यूल पंप पर ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने की अपनी योजना की भी घोषणा की थी। दोस्तों दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। दोस्तों पिछले साल की शुरुआत में शुरू की गई दिल्ली की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी के अनुसार राज्य सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में खरीदी गई पहली 1,000 इलेक्ट्रॉनिक कारों पर सब्सिडी की पेंशन दी थी। और दोस्तों इसका मतलब ये साफ निकल कर आ रहा है कि फ्यूचर पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का होने वाला है। तो दोस्तों ये थे कुछ अपडेट इंडियन ऑयल लिमिटेड को लेकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।